बिसे तौलिया लाला बिसई के दे है बघा। आज भोजन लाला ना करिया तुम्हारे, आज भोजन लाला ना करियो तुम्हारे, भैया के बुरे हैं बिचारे, कुंवर ने तो लाड़ ले ओ लाला, भाभी के परम आधार, भाभी के परम आधार। देखो आप बढ़िया कार्यक्रम आपकी इस घर आंगन में हुआ है आज, हालांकि ये पराया नहीं है, मेरा है। बसंत पंचमी है आज, रात के 2:30 बजे से आगे घड़ी जा चुकी है, ये बसंत पंचमी चल रहा है। और बसंत पंचमी के दिन लाला हरदौल ने शाम को 3 बजे ओरछा में भगवान राम राजा मंदिर के सामने तुलसी घरा के पास में बैठ के विस्पान किया था। ये वही की बात है, भाभी समझा रही है कि लाला इस भोजन को ना खाना, इसमें जहर है। तो लाला बोले कि आज भोजन हम ना छोड़े भाभी मोरे, छत्री धर्म घट जाए। एक एक नुकसान, और दूसरा दूजे तुम्हारे हाथ के भोजन भाभी हम कैसे ना खाए, हमारी मात श्री तुम ओ भौजी, करियो न सोच विचार, भौजी के परम आधार। कैसे लाला? भाभी माँ कह रही कि कौन उधम तो मैंने करो लाला, जो भैया के मने उठो पा, हाँ कौन उधम तो मैंने करो लाला, जो भैया के मन में उठो पा, मोसे जहर दिबाई के लाला, मोसे जहर दिबाई के लाला, करवा रहे पति पाप, कुंवर ने लाड़ ले। वाह, बाहरी लाला हरदौल, इसने सामने भी नहीं खबर मिली कान में सुनने को कि बड़े भैया को तुम्हारे और भाभी के संबंधों पर शक हो गया है। ऐसे भाइयों के भक्त दुनिया में, इनके दर्शन भी कर लो तो तुम्हारे हजारों जन्म के पाप कट जाएंगे। ये बुंदेलखंड में हुए। लाला बोले कि भाभी अरे भैया के मन संकाया गई तो अब कर लेन दो मन साफ। आप चिंता नहीं करो, क्यों दूध को दूध पानी को पानी, मोरे राम जू करे इंसाफ, हमारी तुम मात श्री अरि ओ भौजी, करियो ना सोच विचार,
जी के परम ₹200 का पुरस्कार हमारे चाचा जी संतोष यादव जी की तरफ से है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भाभी माँ का कह रही, आ जाइ जो संसार बदल गो, देवर भाभी को मिटो ना, बदल गो देवर भाभी को मिटो ना। धर्म संकट में हम फंस गए लाला, धर्म संकट में हम फंस गए लाला, दोष न मानो हमारो कुंवर नित लाड़ले। भाभी से लाला हरदौल बोले के भाभी तुम ये दोष अपने ऊपर ना लो, क्यों कि तुम तो भौजी मोरी धर्म की माता, ओ मैं हो लड़का तुम्हार। आप काहे घबराती, तुम तो भौजी मोरी धर्म की माता, अरे मैं हो लड़का तुम्हार। अगर भाभी राम राजा सरकार इस सच्चाई को देखेंगे तो सुनो, अमर कहानी भौजी हो जे है जग में, अमर कहानी भौजी हो जे है जग में, संग में तुम्हारो नाम हमारी मातश्री, अरे ओ भौजी करियो न सोच विचार, भौजी के पर फिर भाभी माँ फिर समझा रहे का कोर धरे नी धर लाला, दूजो गौ मुख दे, पहलो कोर धरे नी धर लाला, दूजो गौ मुख दे, तीजो कोर बरकाई लाला, तीजो करे बरकाई लाला, चौथो पगड़ी धर ले ओ कुंवर नित लाड़ ले। लाला हरदौल ने एक भी बात ना मानी अपनी भाभी माँ की, क्योंकि बात ही ऐसी हो गई थी, जिस लड़के को जिस औरत ने 3 दिन की उम्र से अपना दूध पिला के बड़ा किया और जाके वो 23 वर्ष का हो गया, और फिर वो बात सामने आई जो असहनीय थी, ऐसे शख्स के द्वारा आई जिसके सामने लाला हरदौल नजर नहीं उठा सकते थे, क्योंकि बड़े भाई थे जुझार सिंह। तो लाला हरदौल बोले के भाभी आज ना गौ माता को मिलेगा, ना धरती माता को मिलेगा, ना तुम्हें मिलेगा, ना किसी को मिलेगा, सिर्फ जो भगवान बैठे हैं सामने राम राजा सरकार, ये बहुत बड़ी चीज है। इनके सामने तो बड़े बड़े जहर पानी बन गए बह गए। आप घबराती क्यों हो, हमें ये जहर खाने तो दो एक बार,
बोले कि छिटकी छिटक भगवान राम खां, छिटकी छिटक सब भोजन लो, बोले भैया को भरम मिटाओ। वो एक पल में गटगट करके पूरा जहर पी गए। जब मरने लगे तो भाभी रोने लगी कि हरदोल हमें क्या मिला ये बताओ। तो लाश तड़पने लगी धीरे धीरे, शरीर शांत होने लगा हरदोल का, लेकिन उसके पहले दो शब्द भाभी से कह गए। क्या कह गए? कि छिटकी छिटक सब भोजन लो, बोले भैया को भरम मिटाओ। ओ भाभी, अगले जन्म में फिर कई भाभी तोरे हाथ के भोजन पाओ, हमारी तुम मात श्री अरियो भौजी, करियो ना सोच विचार, करियो ना सोच